हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर 3 बहुत ही कमाल के MIUI थीम्स लेकर आ गए हूँ, जिनमें बहुत ही कूल लॉक स्क्रीन्स देखने को मिल जाते हैं, जिन्हें आप ट्राई करके डेफिनेटली पसंद करने वाले हो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स जंप राइट इनटू इट। तो फर्स्ट टाइम की बात करें तो कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है। यहाँ पर एक ब्यूटीफुल वॉलपेपर देखने को मिलता है, आप देख सकते हो आइकॉन्स कुछ इस टाइप के देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर जो विजेट है, यहाँ पर एक मिनिमल स्टाइल में विजेट देखने को मिलता है। कंट्रोल सेंटर की बात करें तो यहाँ पर बैकग्राउंड चेंज हुआ है, बट MIUI 13 में यहाँ पर कंट्रोल सेंटर चेंज नहीं हुआ। देन सेटिंग्स की बात करें तो यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर यहाँ पर एक इस टाइप का बैकग्राउंड देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी कूल लगता है। देन स्टेटस बार की बात करें तो यहाँ पर जो बैटरी का आइकॉन है वो चेंज हुआ है। देन अगर हम जाते हैं लॉक स्क्रीन पे तो लॉक स्क्रीन जो है कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है। यहाँ पर एक ब्यूटीफुल क्लॉक विजेट देखने को मिलता है। जब भी हम लॉक स्क्रीन पे आते हैं तो यहाँ पर एक एनिमेशन देखने को मिलता है, और यहाँ पर डबल टैप करते हैं तो हम लाइट मोड से डार्क मोड में स्विच कर सकते हैं, और फिर से डबल टैप करके हम लाइट मोड में आ सकते हैं। और यहाँ पर हम स्वाइप डाउन करते हैं तो यहाँ पर कुछ टोन्स देखने को मिल जाते हैं, जिन्हें आप प्ले कर सकते हो। और एक बार फिर हम स्वाइप डाउन करते हैं तो यहाँ पर हम वॉलपेपर को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर 3 डिफरेंट वॉलपेपर्स देखने को मिल जाते हैं। देन यहाँ पर हम एनिमेशन को भी चेंज कर सकते हैं, जो क्लॉक विजेट में एनिमेशन देखने को मिलता है उसे हम चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर क्लॉक विजेट में अगर हम स्वाइप अप करते हैं तो यहाँ पर वेदर इन्फॉर्मेशन भी देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी कूल है। तो कुछ इस टाइप का एक लॉक स्क्रीन देखने को मिलता है फर्स्ट थीम में, और थीम का नाम है यहाँ पर साउंड ऑफ द पोएम, और डिजाइनर है यहाँ पर ट्री नेटवर्क, और इसकी साइज है 15.7 MB। आप इसे थीम स्टोर में सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो। हमारा जो सेकंड थीम है कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है। यहाँ पर एक एस्ट्रोनॉट वॉलपेपर देखने को मिलता है, आइकॉन्स आप देख सकते हो कुछ इस टाइप के देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर स्टेटस बार में बैटरी और नेटवर्क का आइकॉन चेंज हुआ है। देन कंट्रोल सेंटर में यहाँ पर कुछ इस टाइप का एक बैकग्राउंड देखने को मिल जाता है। देन अगर हम जाते हैं सेटिंग्स के अंदर तो यहाँ पर भी जो बैकग्राउंड है वो चेंज हुआ है, और यहाँ पर आइकॉन्स भी चेंज हुए हैं। देन अगर हम जाते हैं लॉक स्क्रीन पे तो लॉक स्क्रीन जो है कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है। यहाँ पर मीटियर का एक एनिमेशन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर हम लेफ्ट एंड राइट स्वाइप करके इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। देन यहाँ पर बैटरी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाता है, यहाँ पर एक शॉर्टकट देखने को मिलता है, और यहाँ पर ईयर काउंटडाउन भी देखने को मिलता है। और फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पर इस विंडो पर टैप करते हैं तो यहाँ पर वॉलपेपर जूम होके कुछ इस टाइप का हो जाता है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। और यहाँ पर हम लेफ्ट एंड राइट स्वाइप करके इसकी कलर को चेंज कर सकते हैं। और जब भी हम यहाँ पर लॉक स्क्रीन में वापस आते हैं तो यहाँ पर जो सेटेलाइट में एनिमेशन देखने को मिलता है वो काफ़ी कूल लगता है। और अगर आपको वापस लास्ट स्क्रीन में जाना है तो यहाँ पर बस टाइम पर टैप करना है और ये स्क्रीन आ जाता है। तो इस सेकंड थीम का नाम है ए ट्रिप टू मार्स, और इसकी डिजाइनर है डीसीटी, और थीम की साइज है 8.8 MB। आप इसे थीम स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। हमारा जो थर्ड थीम है उसका नाम है स्पेस ओडिसे, और इसकी साइज है 20.5 MB। डिजाइनर है यहाँ पर ट्री नेटवर्क। होम स्क्रीन की बात करें तो यहाँ पर कुछ इस टाइप का एक होम स्क्रीन देखने को मिलता है। यहाँ पर एक स्पेस वॉलपेपर देखने को मिल जाता है। कंट्रोल सेंटर की बात करें तो यहाँ पर भी बैकग्राउंड चेंज हुआ है, बट कंट्रोल सेंटर में चेंजेस देखने को नहीं मिलता MIUI 13 में। देन अगर हम जाते हैं सेटिंग्स के अंदर तो यहाँ पर भी एक डार्क बैकग्राउंड देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। उसके बाद अगर हम जाते हैं लॉक स्क्रीन पे तो लॉक स्क्रीन जो है कुछ इस टाइप का यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर एक एनिमेटेड वॉलपेपर देखने को मिलता है। अगर हम यहाँ पर लेफ्ट से स्वाइप करते हैं तो यहाँ पर मेनू आ जाता है। यहाँ पर हम क्लॉक की स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। देन यहाँ पर हम ब्रीदिंग इफेक्ट को ऑन कर सकते हैं, जो कि कुछ इस टाइप का लगता है। और यहाँ पर हम चार्जिंग एनिमेशन को भी चेंज कर सकते हैं, तो इसमें 2 चार्जिंग एनिमेशन भी देखने को मिल जाते हैं। देन अगर हम यहाँ पर स्वाइप डाउन करते हैं तो कैलेंडर देखने को मिल जाता है, साथ में ईयर काउंटडाउन भी देखने को मिल जाता है। देन अगर हम यहाँ पर स्वाइप अप करते हैं
तो यहाँ पर वेदर इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाता है, योर काम डाउन देखने को मिल जाता है और साथ में यहाँ पर बैटरी लेवल भी देखने को मिलता है। तो कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है हमारा थर्ड थीम। तो ये थे 3 कूल MIUI थीम्स जिन्हें आप किसी भी पोको, रेडमी या फिर Xiaomi डिवाइस में यूज कर सकते हो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप स्माइलिंग। दिस इज अंशुमान साइनिंग आउट।